क्या नाम बताया कंपनी? डिग्लाइडर्स। डिग्लाइडर्स, जस्ट अ मिनट। यस सर। नीता, ये डिग्लाइडर्स पूना की कंपनी है ना, लोखंडे ग्रुप की? जी हाँ सर, मिस्टर पीएस लोखंडे इसके मालिक हैं और सदाशिव आचरेकर इसके जनरल मैनेजर। थैंक्स। जरा मेरी सदाशिव से बात करा देना, अगर ना हो तो लीव अ मैसेज टू कॉल बैक। ओके सर। हो जाए गोविंद साहब, आपका काम हो जाए। थैंक यू डैड, थैंक यू वेरी मच। गोविंद, क्या तुम अभी प्रीति से प्यार करते हो? कब नहीं करता था, उसे हासिल करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। अब देखिएगा डैड, मैं शादी करूंगा और सिर्फ प्रीति के साथ करूंगा, लेकिन अब बेफिक्र रहिए, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिसकी वजह से आपकी बेइज्जती हो। मैं बगावत, घर छोड़ना, इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करता। कल बड़े डैडी भी कह रहे थे मुझसे कि हिम्मत करो गोविंद, पकड़ो प्रीति का हाथ और निकल पड़ो सड़क पे, लेकिन मैं जानता हूं इन सारी चीजों से कोई फायदा नहीं, कुछ हासिल नहीं होगा। मैं घर छोड़कर जाऊंगा, आप परेशान हो, मम्मी का ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और मैं और प्रीति जिंदगी भर गिल्टी फील करते रहेंगे, कभी भी चैन से जी नहीं पाएंगे। मैं तो ऐसा कुछ करूंगा जिसकी वजह से आप और मम्मी खुद ब खुद मेरी शादी प्रीति से कर पाएंगे। देखिएगा। वाह, तुम इस बात को इतनी अच्छी तरह से समझते हो, ये मैं नहीं जानता था। आई एम रियली इम्प्रेस्ड। तुम लगते कॉलेज के स्टूडेंट हो पर सोचते हो बड़ी गहराई से। डैड, मेरी नजर अपनी मंजिल पर टिकी हुई है, अभी मैं किसी से कुछ नहीं कह रहा हूं। सब अपनी हांके जा रहे हैं, सब अपनी चलाए जा रहे हैं, प्रीति भी मुझे समझ नहीं रही है, ना समझ रही, मगर आखिर में जीत मेरी होगी डैड, आप देखिएगा। आई विल हैव द लास्ट लाफ। मगर गोविंद, डर यह है कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम अकेले हंसते रह जाओ और प्रीति किसी और के साथ जा चुकी हो। उसका भी इंतजाम है मेरे पास। पूजा जो हमारी कंपनी ज्वाइन करने वाली है वो तो बहुत ही अच्छी सहेली है प्रीति की। मैंने उसे प्रीति पर कड़ी नजर रखने के लिए कहा है और उसके आसपास के लोगों पर, खास करके रोहन पर। रोहन, ये देखिए, ये निक्की और पूजो का क्या चक्कर चल रहा है? मैं जरा देख के आता हूं। हाँ। ए, हेलो, ये क्या हो रहा है? नहीं, दिखाई नहीं देता, हमने फिंगर्स क्रॉस कर रखे हैं। क्यों? इट्स अ सीक्रेट, प्रीति ने कहा है किसी से कुछ मत कहना। प्रीति की बात है और मुझे नहीं मालूम, और तुम दोनों को मालूम है? आपका सुबह से कुछ पता हो तो बात पता चले। अरे यार, सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या? सीक्रेट है तो कैसे बता दे, इंटरव्यू हो जाएगा, बता दे। इंटरव्यू प्रीति का? हाँ। कौन सी कंपनी? जब एक बार बता चुके हैं कि नहीं बताएंगे तो नहीं बताएंगे ना। देखिए, तुम लोग जितने अच्छे दोस्त प्रीति के हो ना, उतने ही अच्छे दोस्त मेरे भी हो। अब बताओ ना यार, नो का मतलब नो, रो ना भी, बोर मत कर यार। और वैसे भी प्रीति अभी डी ग्लाइडर्स की बिल्डिंग के बाहर होगी, एंड आई जस्ट होप द इंटरव्यू वाज गुड। डी ग्लाइडर्स का इंटरव्यू? अरे यार, कल तो इन्फॉर्मेशन मिली और आज इंटरव्यू भी हो गया। जब एक बार मना कर दिया ना तो बार बार एक ही सवाल पूछने का क्या मतलब रोहन? जाओ ना चुपचाप, आप चाय पियो। अरे वो चाय तो ठंडी हो गई होगी और मंगवानी पड़ेगी। आप लोग चाय पियोगे? ये रिश्वत देने की कोशिश मत करो रोहन साहब। हे रोहन, व्हाट डू यू थिंक, हम बिकने वालों में से नहीं है, और वो पुराने जमाने के लोग थे जो सिर्फ एक चाय पर बिक जाया करते थे। एंड वी अ न्यू जनरेशन पीपल, यू सी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इंटरव्यू इतनी जल्दी कैसे होंगे? नहीं बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। अरे यार, आजकल नई टेक्नोलॉजी का जमाना है, ईमेल से अप्लाई करो और इमीडिएटली फैक्स से इंटरव्यू को कॉल आ जाता है। ओके ओके, मत बताओ यार, मत बताओ। हमसे पूछने चला था, हमसे? अरे यार, हमसे कोई नहीं जीत सकता। नो तो जो डजंट नो दैट आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू निकी, वेरी प्राउड ऑफ यू। अरे यार, अभी तक प्रीति का इंटरव्यू हो गया होगा ना? आई थिंक सो। ये फिंगर्स खोल लें, चुप हो गई हैं। हाँ यार, चल चल, और इन्हीं फिंगर्स के साथ एक गर्मा गर्म टी ले लेते हैं रोहन के नाम। चलो। हे रोहन, यार रोहन,
एक चाय पिलाया। पिलाई दे यार। यार तू बुरा मत माने, तो प्रीति ने कहा था कि किसी से नहीं कहना, तो हम कैसे कह सकते हैं यार। नहीं वैसे तो नहीं पिलाना चाहता, तुम लोग जाते हैं। अरे नहीं नहीं यार, मैं पिलाऊंगा ना चाय, मुझे अच्छी लगी ना तुम दोनों की ईमानदारी। अरे मैं तो कायल हो गया आप लोगों का, आज के जमाने में कहां मिलते हैं यार इतने अच्छे ईमानदार और समझदार दोस्त। वैसे मैं तुम दोनों को परख रहा हूं, मुझे मालूम है कि आज प्रीति डी ग्लाइडर्स का इंटरव्यू देने गई है। हां ईमेल से अप्लाई किया था, फैक्स से कॉल आ गई, अभी तक तो इंटरव्यू दे भी चुकी होगी। तुम्हें कैसे पता चला? अरे यार प्रीति मुझसे कुछ छुपाती है, वो गुड लक चार्म जो वो पहनती है वो मैंने तो उसको दिया है। यार निकी हमने तो कहीं नहीं अनजाने में से सब कुछ बता दिया। अरे नहीं नहीं यार बिल्कुल नहीं, मुझे पहले से ही मालूम था। तो ठीक है वेटर दो चाय। अब तक प्रीति का इंटरव्यू तो ठीक ठाक हो गया होगा ना? ऑफ कोर्स ठीक हो गया, प्रीति का इंटरव्यू और ठीक ना हो ये कैसे हो सकता है? कांग्रेट्स प्रीति। थैंक यू। लेकिन तुम्हें क्या पता कौन से इंटरव्यू की बात हो रही है? डिग्लाइडर्स कंपनी का ना, ईमेल से अप्लाई किया था, फैक्स से जवाब आया था। इन दोनों ने बताया ना, इन्हीं दोनों ने बताया होगा क्योंकि सिर्फ इन दोनों को पता था। नहीं नहीं प्रीति हमने बिल्कुल नहीं बताया। अरे रोहन से पूछ लो, मैंने तो साफ साफ मना कर दिया था कि प्रीति के इंटरव्यू के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। इसी तरह इन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। Hey, no, come on, that's cheating, I mean. इसलिए तुम हमसे बार बार सवाल पूछते रहे और हम इनकार करते करते सब कुछ बताते रहे। कोई बात नहीं, रोहन के सामने ही बताया ना, किसी और के सामने तो नहीं बोला ना, ठीक है? किसी और के सामने भी बोल दे तो किसी को क्या फर्क पड़ता? उन्हें देखने दो हम क्या सोच रहे हैं और कहां से गुजर रहे हैं। हेलो, कांग्रेचुलेशंस गोविंद, तुम्हारा काम हो गया। What are you saying, Dad? इतने जल्दी कैसे हो गया? भाई जब काम करने पे आए आदमी तो कर ही लेना चाहिए। कल सुबह तक कुरियर से उसका अपॉइंटमेंट लेटर भी मिल जाएगा। अगर तुम चाहो तो मुबारकबाद का फोन कर सकते हो। You are too much, Dad. You are absolutely great. Thank you very much. Okay, buddy. Bye. Thanks, Dad. You are really great, Dad. Bye. I'll see you in the evening. Bye. क्या बात है, आज अपने डैडी पर इतना प्यार क्यों मर रहा है? थैंक्स अगेन, थैंक यू डैड, यू आर डार्लिंग। पूरा घर सर पे उठा रखा है। बात ही कुछ ऐसी है मेरे डैडी। नहीं बड़े डैडी को नहीं बताओ। गोविंद जब से यहाँ आया हूँ कोई अच्छी खबर नहीं सुनी और इंदौर में कोई बुरी खबर सुनाई नहीं देती है। हाँ अगर अखबार ना पढ़ो तो। ये खबर तो बहुत अच्छी है, अगर आप प्रॉमिस करते हैं कि किसी को नहीं बताएंगे तब। प्रॉमिस? इस बात का मैं धुआं भी बाहर नहीं जाने दूंगा। देखिए बड़े डैडी, एक डिग्लाइडर्स करके कंपनी है, प्रीति वहां पर एक पोस्ट के लिए अप्लाई करी है। मैंने आज सुबह डैड से उसकी सिफारिश करवाई और एक ही दिन में उसकी सिलेक्शन हुई। प्रीति को इस बात का मालूम है? अरे कभी नहीं, अगर उसे पता चल जाए तो वो तो ऑफर एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। तुम उसे ये बात बताओ। बिल्कुल नहीं। देखो बेटे एक बात मेरी याद रखो, इस बात को आज नहीं, जिस तरह तुमने मुझे बताया है तब किसी और को नहीं बताया, क्योंकि दीवारों के भी कान होते हैं और एक बात अगर बात चल पड़े तो चलते चलते पता नहीं कहां पहुंचे। माय डैडी, ये प्रीति की तरफ मेरा पहला कदम है। मैं उसे यह साबित कर देना चाहता हूं कि मेरा उसे पाने का इरादा बिल्कुल पक्का है। हाँ तरीका जो मैंने इख्तियार किया है वो मेरा अपना है। गुड नाइट। गुड नाइट बड़े डैडी। गुड नाइट। आज की रात तो वाकई गुड नाइट बन गई। अभी कहाँ आई? अभी तक तो आ ही रही। मैं तो अंदर आ जाती ना, मैं तो सिर्फ बड़े डैडी से कुछ बातें कर रहा था। बड़े डैडी हॉल में है? हाँ है वो। तुमने कुछ सुना तो नहीं ना? क्या? वही जो मैं कह रहा था उनसे। क्या कह रहे थे तुम बड़े डैडी से? I mean, अगर तुम चाहते हो कि मैं वो सब बातें जानूं तो तुम खुद ही क्यों नहीं बता देते? No, it's nothing important. बस कुछ बिजनेस की बातें कर रहे थे। किस बिजनेस की? वही जो हो रहा है आजकल। तुम्हारे तो दो तीन बिजनेस हैं। पता नहीं कब कहाँ क्या क्या खरीदते रहते हो और कब कहाँ क्या क्या बेचते रहते हो। कुछ समझा नहीं? सब समझ जाओ।
कई बार रात के अंधेरे में कुछ नजर नहीं आता, पर सुबह होते होते हर पल साफ साफ नजर आनी शुरू हो जाती है। गुड नाइट। गुड नाइट। विश यू अ हैप्पी मॉर्निंग टू। सेम टू यू। हैप्पी मॉर्निंग, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, गुड मॉर्निंग होता है, और वो भी सुबह को। तो ठीक है, गुड मॉर्निंग कह दूंगी, और वो भी सुबह को, सूरज निकलने के बाद। गुड मॉर्निंग पापा। गुड मॉर्निंग। तुम छुपाने की कितनी कोशिश करती हो, फिर भी कुछ छुपा नहीं सकती। मेरे पास छुपाने को आया ही क्या? तो फिर कोशिश क्यों करती हो? पहले अमेरिका की स्कॉलरशिप वाली बात छिपाई, अब ये क्या? तुमने डिग्लाइडर्स कंपनी में इंटरव्यू दिया और मुझे बताया तक भी नहीं। पापा, वो कल ही तो दिया था। दुनिया की रफ्तार बहुत तेज हो गई है प्रीति, आज कुरियर से उनका जवाब भी आ गया। उनका जवाब आ गया? इससे सब मुमकिन? परसों तो मैंने अप्लाई किया था ईमेल के जरिए, फिर फैक्स आ गया, मेरा इंटरव्यू कॉल आ गया फैक्स के जरिए, और अब ये आप इंटरव्यू देने के बाद इमीडिएटली कुरियर से एक्सेप्ट सेंड आई होप यू लीव दिस। थैंक गॉड इसने ये नहीं लिखा कि अभी के अभी तैयार होकर काम पर चली आओ। वो वक्त भी आ जाएगा। एनीवे कांग्रेचुलेशंस प्रीति, वेल डन। थैंक यू पापा। मैं जल्दी जाकर तैयार होती हूं, कॉलेज में जाकर सबको बताना। हेलो, हाय प्रीति, प्रमोला है। हाँ बोलो। मैंने सोचा तुम्हारी खुशी में शामिल होने का हक तो है नहीं मुझे, but the least I can do is congratulate you। किस बारे में मुबारकबाद? अरे, डिग्लाइडर्स कंपनी से लेटर नहीं आया था मैं जॉब एक्सेप्टेंस का। हाँ तो खुशी की तो बात है, congratulations। इतनी जल्दी तो चमत्कार ही होते हैं। जस्ट इमेजिन, एक ही दिन में एप्लीकेशन, उसी दिन इंटरव्यू, और नेक्स्ट डे कुरियर से एक्सेप्टेंस लेटर। क्या मतलब है तुम्हारा? चमत्कार ही तो हो सकता है, यही कहना चाहती हूँ। नहीं, सिर्फ ये नहीं कहना चाहती, कुछ और कहना चाहती हो? क्या कहना चाहती हो? Well, बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि चमत्कार हमेशा भगवान ही नहीं, इंसान भी करते हैं। इंसान से मतलब? इंसान से मेरा मतलब वो इंसान जिसने तुम्हारी सिफारिश की है, जिसकी वजह से तुम्हारा काम इतनी जल्दी हो गया, उसका नाम है कोविड। मेरा बहुत ही मददगार है, हेल्पलेस लोगों की मदद करना उसे बहुत अच्छा लगता है। एनीवे, कंग्रेचुलेशंस। उसकी तस्वीर केबल में लगाना मत भूलना। ओह, आई फॉरगॉट टू आस्क समथिंग, उसे पता कैसे चला तुम किस कंपनी में अप्लाई कर रही हो? एक्चुअली आई एम अ फूल, बातों में बता दिया होगा तुमने, राइट? किसका फोन था? प्रमोला का। मैं ऐसी जगह पर नौकरी नहीं करना चाहती जहां गोविंद ने मेरी सिफारिश की हो। तुम्हारी एक चीज मेरे पास रह गई, वो लौटाने आई, क्योंकि मुझे उस चीज का कोई काम नहीं है। ये क्या? तुम्हारी सिफारिश जो तुमने डी ग्लाइडर्स कंपनी में की थी मेरी नौकरी के, तुम्हारा एहसान जो तुमने मुझ पर जताया है बिना बताए, तुम्हारे व्यापारी दिमाग की उपज जो समझता है कि सब कुछ खरीदा जा सकता है, चाहे वो बाजार की कोई चीज हो या फिर रिश्ते हो। तुम क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम समझना नहीं चाहते, ना समझ बनने का नाटक कर रहे हो। छोड़ी पकड़ी जाए तो तुम्हें ह्यूमिलिएशन, तुम्हें बेइज्जती ना बर्दाश्त करनी पड़े। देखो प्रीति, बात दरअसल ये है कि मैंने तुम्हें बताया मैं डी ग्लाइडर्स में नौकरी के लिए अप्लाई कर रही हूँ, और तुमने वहां सिफारिश भेज दी मेरे लिए, अपना इन्फ्लुएंस यूज कर लिया ताकि मुझे वो नौकरी मिल जाए। क्यों? उसमें बुराई क्या है? तुम्हें किसी चीज को पाने की चाहत थी और मैंने तुम्हारी मदद की उसे हासिल कर ली। बुराई ये है कि तुमने बताए बिना मेरी मदद की। मैं समझती नहीं कि ये मेरी सफलता है, मेरी अचीवमेंट है, लेकिन
आखिर मुझे पता चलता है कि ये अचीवमेंट मुझ तक तुम्हारी मदद की बैसाखी बचल कर आई। बात का बतंगर बना रही हो काम का। इस दुनिया में कोई ना कोई किसी ना किसी को कहीं ना कहीं मिलाता ही है, पहचान कराता ही है। अगर मैंने इस कंपनी को तुम्हारे बारे में बता दिया तो क्या बुरा, गलत क्या किया? इस चीज में सिर्फ दो चीज गलत है, एक तुम और एक मैं। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी ना किसी की पहचान जरूर करवाता है, लेकिन मेरे लिए तुम कोई या किसी नहीं हो। हम दोनों के बीच आज भी एक रिश्ता है, चाहे आधार टूटा जैसा भी हो। और इन सर्कमस्टेंसेस में मैं नॉर्मली बिहेव नहीं कर पाती, इसलिए अभी ये चोरी छुपे मेरे लिए कुछ मत किया कर। या तो तुम हो या नहीं हो, मैनिपुलेशंस मत करो, ना होते हुए होने का दावा मत करो प्लीज। बताएंगे आप क्या कर रही हैं यहाँ पर? कुछ नहीं, बस तुम्हारी किताबों की कलेक्शन देख रही। काफी किताबें हैं तुम्हारे पास, लव स्टोरीज, दर्दनाक कहानियां, मर्डर मिस्ट्रीज, जिसमें काफी खून खराबे होते हैं, कुछ लोग बेमौत मारे जाते हैं। तब इंसानों के वो राज जिन्हें राज रहना बहुत जरूरी है वो खुल जाते हैं, तब राज खोलने वालों की मौत की घड़ी नजदीक आने लगती है। धमकी दे रहा मुझे? बिल्कुल नहीं, ऐसा क्यों सोचा तुम? मैं रिस्पेक्ट है। तुम्हारी प्रीति के साथ क्या बात हुई? कब? वो जिस दिन मैं उसे मिलने गई थी? नहीं, आज। Please stop playing games with you, okay? तुम्हारी आज प्रीति के साथ क्या बात हुई? आज क्या बात हुई? क्या बात हो सकती है? क्या खास बात हो सकती है हम दोनों के बीच में? हम दोनों के बीच में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है तुम। और जब मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर सकती हूँ तो मैं प्रीति से बात क्यों करूंगी? मैंने प्रीति की नौकरी की सिफारिश की थी, मेरे अलावा ये बात सिर्फ डैड या फिर बड़े डैडी जानते थे। जिन लोगों से सिफारिश की थी वो लोग भी तो जानते थे। और फिर जब एक बात बहुत लोगों को मालूम होती है ना, तो वो राज नहीं रहती। तुम्हें कैसे मालूम कि ये बात एक राज रहनी थी और नहीं रही? तुम ही तो कह रहे थे। मैंने कब कहा? अरे भाई, तुम ही तो कह रहे थे कि प्रीति की जॉब के लिए तुमने सिफारिश की और ये बात। मगर ये बात एक राज रहनी थी, ऐसा मैंने नहीं कहा। ओके, तुमने कैसे जाना? इल्जाम लगा रहा मुझ पर? इल्जाम नहीं लगा रहा, जान रहा हूं तुम्हें। तुम किस हद तक गिर सकती हो ये मैं धीरे धीरे जान रहा हूं। तुम अब तक बहुत सारी बातें नहीं जानते। जिस दिन सब बातें मालूम चल जाएंगी ना, तो भी शॉक्ड आउट ऑफ फिट्स। डोंट यू वरी रमोना जी, मैं वो वक्त आने नहीं दूंगा। वक्त को आने से कौन रोक पाए जो तुम रोक पाए।